नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मनपा के चुनावी आरक्षण और प्रभाग पद्धति से कई पार्षदों के हुए वादे, कईयों की उम्मीदवारी पर फिरा पानी। अन्ना हजारे के समर्थन में रक्तदान, स्वाक्षरी अभियान एवं शपथ विधि। सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है घरगुती गणेश सजाओ स्पर्धा, तुरंत स्थान निश्चित कराने का आह्वान। पोला त्योहार की तैयारियों में जुटे महानगरवासी, बाजारों में भी पोले की धूम। और उत्कर्ष क्रीडा मंडल ने फोड़ी भ्रष्टाचार की दहियांडी। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहां उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तन चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। समाज कल्याण की जात पड़ताल कार्यालय का रिश्वतखोर लिपिक विठल कुगाड़े की एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। उसने एक छात्रा को जाति प्रमाण पत्र के लिए 2,000 रूपये की रिश्वत मांगी थी। समाज कल्याण जात पड़ताल विभाग का कनिष्ठ लिपिक कुगड़े हाल ही में एसीपी के जाल में फंस गया। आरोपी विताल बापूराव कुगड़े ने विष्णुपंत डहाके के लड़के के जाति प्रमाण पत्र हेतु 2,000 रूपयों की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत पर एंटी करप्शन ने जाल बिछाकर विताल कुगड़े को 1,000 रूपये रिश्वत लेते धर दबोचा। आगे की जांच जारी है। शुक्रवार को अन्ना हजारे के समर्थन में शहर के विभिन्न आंदोलन जारी थे। रक्तदान शिविर, स्वाक्षरी अभियान एवं सामूहिक शपथ विधि, ऐसे कई आयोजन महानगर में अन्ना हजारे के समर्थन में किए गए। मजबूत जन लोकपाल के मांग के लिए अन्ना हजारे ने रामलीला मैदान में अनशन छेड़ रखा है। इस अनशन आंदोलन के 11वें दिन अमरावती शहर में अन्ना के समर्थन में स्थानीय श्याम चौक के श्याम टॉकीज में भव्य रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। रक्तदान समिति की ओर से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। औपचारिक उद्घाटन समारोह से रक्तदान शुरू हुआ। इसी रक्तदान शिविर के दौरान लायंस क्लब की ओर से अन्ना के समर्थन में स्वाक्षरी अभियान भी किया गया। चंद्रकांत पोपट, गोविंद कासट, बीहू सलेजा, हरीश बजाज, रुनल बजाज, तेजस पोपट, प्राध्यापक लड़के आदि इस रक्तदान शिविर एवं स्वाक्षरी अभियान की सफलता के लिए परिश्रम कर रहे थे। तो दूसरी ओर शहर के युवाओं ने भी अन्ना हजारे के समर्थन में भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने की शपथ ली। या मातृभूमीसाठी आपल्या प्राणांचं बलिदान करून हा क्रांतीचा यज्ञकुंड प्रज्वलित करणाऱ्या त्या सर्व क्रांतिकारकांचा विचार आणि कार्याचा वर्तमानातील वारसदार म्हणून मी विचारपूर्वक शपथ घेतो की ज्या निष्ठेने मी माझ्या कुटुंबावर प्रेम करतो त्याच निष्ठेने मी माझ्या राष्ट्रावर सुद्धा प्रेम करतो। विकसित संपन्न राष्ट्र म्हणून निर्माण करणे हे माझे आद्य कर्तव्य आहे। याच कर्तव्याच्या आड येणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय भ्रष्टाचार पूर्णपणे संपवणे ही वर्तमानाची गरज आहे। या क्षणापासून मी प्रतिज्ञाबद्ध होतो की विचारातून अथवा कृतीतून मी कोणताही भ्रष्ट व्यवहार करणार नाही।
आणि जो कोणी अशा प्रकारे भ्रष्ट व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करत असेल अशा सर्व समाज विघातक शक्तींना पूर्ण ताकदीने थांबवण्याचा मी मनापासून प्रयत्न करेन। या देशाचा एक जबाबदार नागरिक म्हणून राष्ट्र उन्नतीसाठी पोषक जीवन मूल्यांना माझ्यामध्ये व संपूर्ण समाजामध्ये रुजवण्यासाठी भ्रष्टाचार विरोधी क्रांतीचा सैनिक या नात्यानं मी आजन्म वचनबद्ध होत आहे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय पर शहर के विभिन्न महाविद्यालयों के हजारों छात्रों ने राष्ट्रगान कर भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष रहने की शपथ ग्रहण की। देशभक्ति पर गीत गायन से इस शपथ विधि समारोह का समापन हुआ तो स्थानीय मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय में भी अन्ना के समर्थन में शपथ विधि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शपथ विधि के उपरांत एक रैली भी निकाली गई जिसमें विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय के सैकड़ों छात्र शामिल हुए थे। गुरुवार दिनांक 25 अगस्त से जैन धर्मियों के श्री परशुन महापर्व की शुरुआत होगी। आगामी 1 सितंबर तक के ये परशुन महापर्व चलेगा। पर्युषण काल के दौरान श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ बर्नेरा रोड, श्री जैन श्वेतांबर मित्र मंडल, जैन धर्मशाला भाजी बाजार और बर्तन बाजार का बड़ा जैन श्वेतांबर मंदिर, यहां विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जैन धर्मियों का पवित्र श्री पर्युषण महापर्व की गुरुवार से शुरुआत हो गई। ये पर्युषण महापर्व आगामी 1 सितंबर तक ये पर्युषण महापर्व जारी रहेगा। इस पर्युषण महापर्व के दौरान स्थानीय बर्नेरा रोड श्री वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ की ओर से विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिनमें हर रोज सूत्र वाचन, प्रवचन, धार्मिक कार्यक्रम, प्रतिकर्मण, नौकार मंत्र का 7 दिवसीय अखंड जाप आदि कार्यक्रम जारी है। उसी तरह श्री राजीभाई जैन धर्मशाला भाजी बाजार में श्री जैन श्वेतांबर मित्र मंडली की ओर से हर रोज भक्तांबर पाठ, पक्षाल व स्नात्र पूजा, व्याख्यान, प्रतिक्रमण, आरती, आंगी दर्शन एवं भक्ति भावना आदि धार्मिक कार्यक्रम जारी हैं। जैन धर्म में वैसे तो धर्म की कोई सीमा नहीं रहती है, पूरे टाइम ही धर्म करना चाहिए, किंतु भगवान ने जो पूरे टाइम धर्म नहीं कर सकते हैं उनके लिए कुछ 8 दिन ऐसे निकाले हैं कि कम से कम पूरे टाइम नहीं कर सको तो इन 8 दिनों में तो विशेष तौर पर करना ही चाहिए। इसलिए ये 8 दिन जैन धर्म में पर्युषण पर्व के नाम से विख्यात हैं और इन पर्युषण पर्व के दिनों में जैन लोग ना तो रात्रि भोजन करते हैं, वे रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग करते हैं, चाहे बच्चा भी घर में हो तो उसे भी दूध रात में नहीं दिया जाता है, ना ही हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, वे पूर्णतः हरी सब्जियों का त्याग करते हैं ताकि जितनी ज्यादा से ज्यादा हिंसा से बचा जाए उतना ही, क्योंकि जैन धर्म में छोटी से छोटी चीजों में मात्र सिर्फ मारने या किसी को मौत दे देने इसको हिंसा नहीं माना गया है, वरन छोटी छोटी बातों में जैसे सब्जी सुधारने तक में हिंसा को या अपने वचन से जो बोला जाए उसमें भी हिंसा, कटु वचन यदि बोल दिया जाए तो उसे भी हिंसा के रूप में बताया गया है। इसलिए इन सभी हिंसा से बचने के लिए जैन धर्म में इन 8 दिनों का विशेष महत्व बताया गया है। श्री जैन श्वेतांबर बड़ा मंदिर बर्तन बाजार में भी पर्युषण महापर्व के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है, जिनमें प्रतिदिन व्याख्यान, प्रतिक्रमण, भावना, महावीर जन्मवाचन एवं 14 सपनों का चढ़ावा, जन्म कल्याणक महोत्सव आदि का समावेश है। आगामी 1 सितंबर तक ये पर्युषण महापर्व जारी रहेगा, तब तक ये सारे धार्मिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। मनपा के चुनाव आरक्षण के ड्रॉ खुलने के बाद कईयों के भाग भी इस ईश्वर चिट्ठी ने बदल डाले। वार्ड की रचना प्रभागों में तब्दील हो गई, साथ ही कई प्रभागों के आरक्षण देखते हुए ये भी सामने आ रहा है कि कई पार्षदों के वहां से अब निर्वाचित होने के उम्मीदवार पर पानी फिर गया है। अब कई लोग हैं जो इस
अस्थिरता में कुछ रास्ता तलाशने की कोशिश में लगे हैं। नववर्ष 2012 में होने वाले मनपा सार्वत्रिक चुनाव की प्रभाग न्याय आरक्षण सूची हाल ही में जाहिर हुई। सांस्कृतिक भवन में ईश्वर चिट्ठी प्रक्रिया से ये प्रभाग न्याय आरक्षण की घोषणा की गई। इस आरक्षण प्रक्रिया पर कईयों की नजरें टिकी थी जो आगामी चुनाव में पार्षद निर्वाचित होने की मंशा रख रहे थे। कई वर्तमान पार्षद और संभाव्य उम्मीदवारों के उम्मीदों पर इस आरक्षण ने पानी फेर दिया है। ये भी खुलकर सामने आ रहा है कि कुल 43 प्रभागों में से 87 पार्षद निर्वाचित होने हैं, जिनमें 44 महिलाएं और 43 पुरुष उम्मीदवार होंगे। पर वर्तमान पार्षद प्रदीप बाजड़, दिनेश बुब, पुरुषोत्तम बजाज, दिगंबर डहाके, अशोक डोंगरे ये वो पार्षद जिनके उम्मीदों पर इस आरक्षण ने पानी फेर दिया, क्योंकि प्रदीप बाजड़ का वार्ड बन गया है प्रभाग क्रमांक 1 जो अनुसूचित जाति और ब सामान्य वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो गया है। उनके प्रभाग से ही सटे तपोवन प्रभाग की स्थिति ऐसे ही होने से पार्षद प्रदीप बाजड़ को चुनाव में खड़े रहने से दूर ही रहना पड़ेगा, भले ही वह सौ बाजड़ को वार्ड ब से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दिनेश बुब का श्रीकृष्ण पेट ये वार्ड आधा जवारगेट प्रभाग में शामिल कर दिया गया है और यहाँ वार्ड अ अनुसूचित जनजाति और ब सामाजिक प्रवर्ग के महिला हेतु आरक्षित रखा है। यही स्थिति पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे को भी प्रभावित कर सकती है। विला सिंगोले के बुधवारा में ब वार्ड सामान्य वर्ग हेतु रहने से उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह वे 3 सीटों वाले एकमात्र प्रभाग जवार गेट से भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। महापौर एडवोकेट किशोर शेलके, पार्षद प्रमोद पांडे, गोपीचंद भामोरे, विनय नगरकर, डॉक्टर राजेंद्र तायडे, सलीम बेग इन्हें आरक्षण ने कुछ हानि नहीं पहुंचाई। प्रशांत वानखेड़े के राजापीठ प्रभाग में वार्ड अ अन्य पिछड़ा वर्ग और ब सामान्य महिला प्रत्याशी चुने जाएंगे। मुस्लिम बहुल इलाके के कईयों की चुनाव लड़ने की मंशा धरी के धरी रह जाएंगी, क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया के प्रभागों में 4 वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं हेतु और 2 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाने से कई जन इस चुनावी मैदान में उतरने से वंचित हो गए हैं। पार्षद कलंद्रुद्दीन के प्रभाग में वार्ड अन्य पिछड़ा वर्ग और ब सामान्य महिला हेतु आरक्षित हो गया है। मुस्लिम बहुल भागों में कई वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने से यहां से मुस्लिम महिलाओं को मनपा सदन में पहुंचने का अच्छा खासा मौका मिल चुका है, जिससे यह तो तय है कि कई दिग्गज और चुनावी तैयारियों में लगे उम्मीदवारों के सपने सपने ही रह गए हैं। महिला आरक्षण वैसे तो 50% है, जिससे महिला पार्षदों की संख्या 44 रहनी है, पर यह बढ़ सकती है क्योंकि 24 प्रभागों में सामान्य प्रवर्ग के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। नियमानुसार 43 प्रभागों में महिलाएं भी उम्मीदवारी दाखिल कर सकती है, जिससे महिला पार्षदों की संख्या पुरुष पार्षदों से सिर्फ 1 से नहीं और कई ज्यादा से बढ़ सकती है, ये निसंदेह। आरक्षण सूची पर आपत्तियां भी आमंत्रित है। आगामी 9 सितंबर तक इच्छुकगण आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अब मनपा की चुनावी रणनीति काम करना शुरू कर देगी, जो साफ नजर आएंगी। इस चुनावी रणनीति पर सबकी नजरें टिकी है। चुनावी समीक्षा, सिटी न्यूज। आगामी 28 अगस्त को किसानों का प्रिय त्यौहार पोला मनाया जाएगा। पोले की तैयारियां फिलहाल जोरों पर है। बैल सजावट और लगने वाली कई साजो सामान, मिट्टी के बैल आदि कई चीजें खरीदी के लिए बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। रविवार दिनांक 28 अगस्त को समस्त देशवासियों के लिए अनाज उगाने वाले किसानों का प्रिय त्यौहार पोला मनाया जाएगा। पोला ये त्यौहार किसानों के सच्चे साथी बैलों के प्रति कृतज्ञता दर्शाने मनाया जाता है। सिर्फ किसान ही नहीं, ये त्यौहार और भी लोग मनाते हैं। सभी ये त्यौहार मनाते हैं। किसान बैलों की पूजा करते हैं तो नागरिक मिट्टी के बैलों की पूजा कर पोले का त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार अब कुछ घंटों पर ही रहने से पोले की सरगर्मियां महानगर में तेज होती दिखाई दे रही है। बैलों के साजो सामान सहित मिट्टी के बैल भी महानगर के बाजारों में पहुंच चुके हैं। स्थानीय यशोदानगर नंबर 2 स्थित उत्कर्ष व्यायाम व क्रीड़ा मंडल की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भ्रष्टाचार की दहीहांडी फोड़ी गई। पिछले 15 वर्षों से हर वर्ष यहां के बजरंगबली मंदिर के प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दहीहांडी लगाई जाती है।
स्थानीय उत्कर्ष व्यायाम व क्रीड़ा मंडल यशोदा नगर नंबर 2 की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी स्पर्धा का आयोजन किया गया था। इस वर्ष उत्कर्ष क्रीड़ा मंडल ने भ्रष्टाचार की दही हांडी फोड़ी। आतिश यादव, गणेश पांडे, मयूर परदेशी, सचिन ठाकरे, भूषण जिचकार, प्रवीण दरने, अंकुश वानखेड़े, मोनू मोहल्ले, विकी शेड़के, प्रफुल परतोड़े आदि गोविंदाओं ने ये दही हांडी फोड़कर संगीत की ताल पर जश्न भी मनाया। आगामी गणेश उत्सव मंडल बड़े धूमधाम से और सामाजिक उपक्रमों की आयोजनों से ये मंडल मनाता है, ऐसी जानकारी भी दी गई। रमजान महीने का आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा, जुमतुल विदा को लोगों ने जुमा को विदाई दी और कई जगह पर कई मस्जिदों में नमाज का एहतमाम किया गया। अब शनिवार को 26वां रोजा यानी 26 रोजे मुकम्मल हो जाएंगे और 26वीं शब यानी शब-ए-खद्र का एहतमाम बड़े धूमधाम से किया जाएगा और लोग अपनी मगफिरत के लिए दुआएं करेंगे। रमजान महीने के आखिरी अशरे का अब आखिरी जुमा यानी जुमतुल विदा का आज एहतमाम सारी मस्जिदों में किया जा रहा है। कुछ खास नमाजों का एहतमाम भी मस्जिदों में किया जा रहा है। रोजदार जुमतुल विदा पर खास नमाजों का एहतमाम करते हैं और इस जुमा को विदाई देते हैं। اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله يا इस वर्ष का गणेश उत्सव आगामी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस गणेश उत्सव को और आकर्षित बनाकर ये गणेश उत्सव सभी महानगर वासियों के साथ मनाने सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है घर गुती गणेश सजाव स्पर्धा। घर गुती गणेशों के सजावट को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस वर्ष का गणेशोत्सव आगामी 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस गणेशोत्सव को और आकर्षित बनाकर ये गणेशोत्सव सभी महानगर वासियों के साथ मनाने सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है घरगुती गणेश सजाव स्पर्धा। आकर्षक आरास से सुशोभित घरगुती गणेशों के सजावट को आकर्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सिटी चैनल प्रस्तुत घरगुती गणेश स्पर्धा में सहभागी स्पर्धकों के घर पहुंचकर सिटी चैनल की टीम गणेश आरास का चित्रीकरण करेगी। सभी सहभागी स्पर्धकों के गणेश आरास का सिटी चैनल पर प्रसारण किया जाएगा तो आकर्षक आरास सजावट को विशिष्ट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही अनेक प्रोत्साहन पुरस्कारों का वितरण भी सिटी चैनल की ओर से किया जाने वाला है। घरगुती गणेश सजाव स्पर्धा में सहभागी होने हेतु तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लेन, 7 अमरावती।
हमारा फोन नंबर है 0721256833। स्पर्धा के नियम एवं फॉर्म हेतु इन संपर्क क्रमांकों पर संपर्क साधकर जानकारी ली जा सकती है। संपर्क क्रमांक है 9403620111। इस स्पर्धा के फॉर्म राजापेट चौक के मुथा साड़ी सेंटर, दस्तूर नगर के कृष्णा गोपाल आयुर्वेदिक भंडार, आयुर्वेदिक कॉलेज के सामने, मीडिया मैट्रिक्स जयंत कॉम्प्लेक्स, वीएमवी रोड राठी नगर, अनूप जनरल शक्करसाद चौक यहाँ भी उपलब्ध है। तो तुरंत अपना स्थान निश्चित करा ले, क्योंकि सीमित स्पर्धकों को ही इस घरगुती गणेश स्पर्धा में सहभागी किया जाएगा। तो चलो इस वर्ष के गणेशोत्सव को और आनंदमय और उत्सवमय बनाएं सिटी चैनल के साथ। अभी तक आपने देखी कुछ खबरें, आइए डालते हैं एक नजर कुछ अहम खबरों पर। युवा सेना के जिला प्रमुख नियुक्त होने पर पार्षद प्रवीण हरमकर की नियुक्ति का स्थानीय शक्करसाद चौक पर जल्लोष किया गया। युवा सेना के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने प्रवीण हरमकर इनका सम्मान कर शुभेच्छाएं दी। शक्करसाद चौक में आतिशबाजी कर जल्लोष भी किया गया था। भ्रष्टाचार और मिलीभगत किसे कहते हैं, ये अगर देखना है तो जीता जागता नमूना देखने धारणी शहर को भेंट देनी होगी। यहाँ एसटी विभाग का कारनामा सब खुली आंखों से देख सकते हैं। यहाँ प्रवासियों से टिकट के पैसे तो लिए जाते हैं, पर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। सिर्फ बस के अंदर ही नहीं, छत के ऊपर बिठाकर भी प्रवासियों को प्रवास किया जाता है, और सारा पैसा कंडक्टर चेकर आदि मिलकर हड़प कर जाते हैं। ऐसी जानकारी हमारे धारणी संवाददाता ने दी। महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती जिले से हर 50 किलोमीटर पर एसटी डेपो दिया गया है, लेकिन मेलघाट के धारणी तहसील में एसटी डेपो न के कारण यहाँ पर प्रतवाड़ा और अमरावती और नागपुर डेपो की बसें भेजी जाती है, जो सिर्फ एसटी कंडक्टरों से धारणी में भेजी जाती है। धारणी में बस स्थानक है, लेकिन वह भी समस्याओं का अंबार हो चुका है, समस्या ग्रस्त हो चुका है। इसी तरह धारणी के अंदर MH 12C 71 11 नंबर की बडनेरा डेपो की जो बस है, जो अमरावती धारणी के टाइम चलती है, यह इस तरीके के अनेक बसों के ऊपर यहाँ पर आदिवासी प्रवासियों की जान पूरी खतरे में डालकर आदिवासियों को बस बैठाकर कंडक्टर पैसा वसूल कर रहे हैं और उनको प्रवास किया जाए। एसटी कंडक्टर मालामाल हो रहे हैं। मेलघाट से एसटी का उत्पन्न काफी कम आने से मेलघाट में प्रशासन, जिला प्रशासन ज्यादा बसे और एसटी डेपो बना नहीं पा रहा है। पिछले 20 वर्षों से एसटी डेपो की मांग है, लेकिन इन्हीं कारणों से डेपो नहीं हो पाता है। बस स्टैंड धारणी पर पूरा हाट ठेले वालों का अतिक्रमण सा हो चुका है। इसमें जो धारणी के कंट्रोलर है वो भी खुद इसके अंदर शामिल है और पूरा इसे अतिक्रमण से घिर चुका है, जिससे बस और प्रवासी को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लंबी दूरी की जो बसें चल रही है, बरानपुर अमरावती से धारणी, नागपुर से इंदौर, ये लंबी दूरी की बसें सबसे ज्यादा कंडक्टर बिना टिकट प्रवास कर प्रवासियों से पैसा लेकर टिकट न देने के कारण मेलघाट का उत्पन्न घाटे में जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अमरावती और परतवाड़ा से हर सप्ताह उड़न दस्ता आता है चेक करने के लिए एसटी महामंडल की बसों को। ये उड़न दस्ते पर भी सवालिया निशान हो चुका है, क्योंकि ये लोग भी, उड़न दस्ते के कुछ अधिकारी भी कंडक्टर से मिलकर इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनके कारण इनके ऊपर पिछले 6 महीने से आज तक कोई कार्रवाई की नहीं गई वाहकों पर, और ना ही कोई उड़न दस्ते ने आज तक कोई कंडक्टर को पकड़ा है कि बिना टिकट से ले जाने वालों को। ठीक इसी तरह मेलघाट का पूरा प्रशासन भगवान भरोसे और राम भरोसे चल रहा है। जिला प्रशासन ने मेलघाट के आदिवासियों को ध्यान देकर ज्यादा बसेस भेजकर आदिवासियों को जो समस्या होती है वो ध्यान देकर सुलझाना चाहिए, बस यही मेलघाट समस्या मेलघाट की जनता की मांग है। ठीक उसी तरह ये काली पीली के अंदर भी आदिवासियों को बिठाया जा रहा है, तो ज्यादा बसेस भेजना चाहिए, बस मेलघाट की यही मांग है।
अमरावती शहर के खड्डे जल्द से जल्द ठीक कराए जाएंगे और मनपा से रिटायर्ड कर्मचारियों के 698 पद रिक्त है, उसे जल्द ही भरने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। आदि जानकारी मनपा के स्थायी समिति सभापति बबलू शेखावत ने स्थायी समिति के बैठक के समाप्ति के बाद दी। स्थायी समिति बैठकी मध्य चार ही जोन के जे विद्युत मेंटेनन्स करना कॉन्ट्रैक्टर है एक्सटेन्शन देने आल है, कारण अगोदर अपन टेन्डर काड़े होते आतापर्यंत दोन तीन वेला टेन्डर काड़ूनसुद्धा को टेन्डर उचल ले 18% बिलो आयामें एक 4 महीन का एक्सटेन्शन दे है। दूसर अमरावती महानगरपालिके मगिल 15-20 वर्षापसन जे लोग रिटायर होते हैं ठिकाणी नवीन जागा भरनेसंदर्भर आतापर्यंत शासनाकडून बंदी असल्यामुळे व प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई केल्या आजपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्याच्यामुळे महानगरपालिकेच्या कामाच्या बाबतीत नेहमी स्थानिक जनतेकडून सन्माननीय सदस्याकडून नेहमी आम्ही वर्तमानपत्रात पाहतो की महानगरपालिकेचं काम व्यवस्थित नाही, महानगरपालिकेचं हे नाही। तर आज आम्ही स्थायी समितीमध्ये एक ठरावापासून शासनाला विनंती केलेली आहे की महानगरपालिकेचे टोटल 698 पद महानगरपालिकेत रिक्त आहे, हे पद अस्थापनेची अट शिथिल करून हे पद भरण्यासाठी आम्हाला परवानगी देण्यात येईल, जेणेकरून अमरावती महानगरपालिका ज्या उद्देशाने स्थापना शासनाने स्थापना केलेली आहे स्थानिक शहरातील लोकांना मूलभूत गरजा पुरवण्यासाठी त्या उद्देशात महानगरपालिका सफल होईल व अमरावती शहरातील जे स्थानिक बेरोजगार लोक आहेत त्यांना महानगरपालिकेत नोकरी करण्याची संधी मिळेल। जे गड्डे झालेले आहे त्याच्या बाबतीत आपण वीर हनुमान कन्स्ट्रक्शन यांना गड्डे बुजवण्याचं काम देण्यात आलेलं आहे व त्याला आज स्थायी समितीमध्ये त्याला मंजुरी देण्यात आलेली आहे, त्यांनी कामसुद्धा चालू केलेले आहे। येणाऱ्या 8-10 दिवसात पावसाळा थांबला तर येणाऱ्या 8-10 दिवसात शहरातील मुख्य रस्त्यावरील सगळे गड्डे बुजवण्यात येणार आहेत। अंबानगरी को परकोटे की ऐतिहासिक धरोहर विरासत में मिली है जो महानगर की शान है, इसे हिफाजत से संभालना अमरावती मनपा की नैतिक जिम्मेदारी भी है, पर यही मनपा स्वयं की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रही होने से परकोटे के जवार गेट द्वार के समीप कचरे का ढेर लग जाता है। कुछ व्यापारी भी यही कचरा उंडेल देते हैं जिनमें फूल व्यवसायी भी शामिल है। इस ओर मनपा के संबंधित विभाग सहित नागरिकों ने भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग सुजान नागरिक बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। स्थानीय राम मेघे इंजीनियर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अन्ना हजारे के समर्थन में स्कूटर रैली निकाली। राजापेट से शुरू हुई ये रैली राजकमल मार्ग से जिलाधीश कार्यालय पहुंची, जिलाधीश कार्यालय पर इस स्कूटर रैली का समापन हुआ। राजकमल चौकातून इरविन चौक आणि इरविन चौकातून इथे याच्यासाठी आलेलो आहोत।
की अण्णा हजारे जो एकटा माणूस या याला चिंगारी लावू शकतो तो हे जे सगळे युवा आहेत हे याला भडका देऊ शकतात. आणि आज या युवांमुळे अण्णांनी पहिलेच सांगितलं, कारण की अण्णांनी सांगितलं होतं की मनमोहन सिंग यांना त्यांची काळजी वाटायला लागलेली आहे. हे अत्यंत खोटी बाब अशी होती की 10 दिवस होऊन गेलेले आहे त्यांना चिंता नव्हती, आणि आता 1 दिवस त्यांना घाम बुडायला लागला होता त्यांना चिंता होऊ लागली आहे. हे त्या युवांमुळे दिसायला लागलेलं आहे, कारण की आज त्यांना हे माहिती पडलं की काँग्रेसमध्ये जे युवांची संख्या होती ती अण्णांच्या मागे जायला लागलेली आहे. आणि आज जे युवा आपल्या पाठीमागे आहेत, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आहे, भ्रष्टाचार झाला नाही पाहिजे याच्यासाठी संघर्ष करत आहे, त्याच्यामुळे मनमोहन सिंग यांना आता अण्णाची चिंता वाटायला लागली आहे. आणि अण्णांनी जर 30 तारखेपर्यंत जर त्यांनी मान्य केलं नाही आणि अण्णांनी जरी सांगितलं की आता तुम्ही जेल भरो आंदोलन करा आणि जरी पोलिसांनी परमिशन दिली नाही तरीही हे सगळं विद्यार्थिनी सुद्धा जेल भरो आंदोलनात भाग घ्यायसाठी सहभागी आहे. आणि एवढंच नाही, परमिशन मिळो अथवा न मिळो अण्णांनी सांगितलं आहे की उपोषण करायचं आहे आणि ते आम्ही करू, विद्यार्थ्यांचा त्यांना शेवटपर्यंत पाठिंबा राहील एवढंच सांगू शकतो. भारत माता की जय, भारत माता की जय, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, अण्णा हजारे आगे बढ़ो, अण्णा हजारे. प्रहार संगठन भी अण्णा के समर्थन में रास्ते पे उतरा था, साथ ही स्थानीय इरविन ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लेकर प्रहार संगठन ने अन्ना को समर्थन घोषित किया. आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी अन्ना के समर्थन में रैली निकाली. दिल्ली के सुपरिचित श्री श्याम जगुप्ता जो देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है. अन्ना हजारे की जन लोकपाल की मांग और संसद में इस पर होने वाली बहस, सरकार के बदलते जवाब, विपक्ष का बदलता रुख और सारी राजनीतिक पार्टियों की अपनी अपनी खींचतान, इससे यही जाहिर होता है कि जन लोकपाल बिल न होके ये महाभारत की जंग जैसा हो गया हो. कुछ ऐसा ही दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून. तो ये थे अब तक के समाचार, एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर. मनपा के चुनावी आरक्षण और प्रभाग पद्धति से कई पार्षदों के हुए वादे, कईयों की उम्मीदवारी पर फिरा पानी. अन्ना हजारे के समर्थन में रक्तदान, स्वाक्षरी अभियान एवं शपथ विधि. सिटी चैनल प्रस्तुत कर रहा है घरगुती गणेश सजाओ स्पर्धा, तुरंत स्थान निश्चित कराने का आह्वान. होला त्योहार की तैयारियों में जुटे महानगरवासी, बाजारों में भी पोले की धूम. और उत्कर्ष क्रीडा मंडल ने फोड़ी भ्रष्टाचार की दहियांगी. सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सकर सात, अमरावती. हमारा फोन नंबर है 2563833. इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें. सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ. फिर मुलाकात. इन समाचारों में बस इतना ही. देश दुनिया की खबरें और सिटी न्यूज पर नए नए कार्यक्रम आप देखते रहिए सिटी न्यूज, और मुझे दीजिए इजाजत.